नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आप देख रहे हैं फास्ट समाचार। पूरा देश इस समय कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, जिसके चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। शिवपुरी में तहसील खनिया थाना में समीर कुरैशी नामक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और लगभग 20 दिन समीर कुरैशी को आइसोलेशन वार्ड में हो चुके हैं और अभी तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके बाद समीर ने राहत की सांस ली। फास्ट समाचार की टीम ने समीर कुरैशी से बात की और उन्होंने अपना 20 दिन का सफर फास्ट समाचार के सह संपादक सुनील रजक को बताया। आइए सुनते हैं समीर की कहानी उनकी जुबानी। समीर जी, स्वागत है आपका फास्ट समाचार में। मैं सुनील चुंगी। समीर जी, अभी जो कोरोना जैसी महामारी चल रही है पूरे देश में, और इस संबंध में आप भी, आपकी रिपोर्ट भी जो भेजी गई थी सैंपल के तौर पर, वो पॉजिटिव आई थी पहली, और अभी आपकी जो तीसरी रिपोर्ट भेजी गई है वो नेगेटिव आई है, और इस बीच में आप इस महामारी से लड़े हो, जूझे हो, और आपको आइसोलेशन वार्ड में आपको काफी टाइम हो गया है, 15 दिन प्लस हो गए हैं लगभग, है ना? मुझे 20 दिन हो गए टोटल। हाँ, 15 दिन प्लस, मतलब 20 दिन हो गए। आप इस संबंध में आप क्या संदेश देना चाहेंगे सभी लोगों को, क्या कहना चाहेंगे कि जब से अभी तक आपका क्या हॉस्पिटल में क्या सफर हुआ है? सबसे पहले तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। जी, लॉकडाउन का पालन करो, अपने घर में सुरक्षित रहो, ताकि जी जो कंडीशन मेरी है आज इस हॉस्पिटल में वो आप लोगों की ना हो, आपके परिवार की ना हो। जी, क्योंकि जब तक आप लॉकडाउन नहीं करेंगे, तब तक इसका पालन नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आपको परेशानी हो सकती है, आपके परिवार वालों को परेशानी हो सकती है। जी, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, जिस थोड़े बहुत नॉर्मल, जैसे कि सर्दी जुकाम, जैसे कि बहुत से लोग बता नहीं रहे हैं, जी, उनको परेशानी हो रही है लेकिन वो अपनी परेशानी छुपा रहे हैं, छुपा रहे हैं। इस वजह से कि हमें भी 14 से 15 दिन कैद कर देंगे। भाई मेरे, अपनी जान से बड़े तो नहीं है 14 दिन, जी, अपने परिवार की जान से बड़े तो नहीं है 14 दिन। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर अपन ही नहीं रहेंगे, अपना परिवार ही नहीं रहेगा, तो क्या करोगे 14 दिन कैद होके? जी बिल्कुल। तो अपनी जान से बढ़कर वो 14 दिन नहीं है, तो 14 दिन का मत सोचो, ये सोचो कि हमारे आगे के 14 साल, हमारे परिवारों के साथ 14 साल कैसे कटेंगे। जी, अगर आज आपने 14 दिन निकाल लिए तो जी, तो इस चीज की मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे दिन भर यहाँ बेड पे पड़े पड़े यही देखता रहता हूँ कि स्वास्थ्य केंद्र की टीम जाती है, चेकअप के लिए मना कर देते हैं, उनको अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो तो मना कर देते हैं। जी, तो इसी मारे आप बस छुपाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है, आपकी फैमिली की जिंदगी का सवाल है। और अगर आप समीर जी, अभी आप आइसोलेशन वार्ड में कितने दिन रहे हो, तो वहाँ के बारे में क्या कहना चाहोगे? आइसोलेशन वार्ड जो हॉस्पिटल में है, सर मैं तो एक ही ऊपर वाले से एक ही गुजारिश करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे 20 दिन मेरे कटे हैं, जी, ऐसे ईश्वर किसी को ना कटवाए। जी, किसी को भी ये कोरोना से पीड़ित संबंधित जो प्रॉब्लम है वो किसी को ना दे। जी, आज मैं यहाँ रहता जरूर हूँ, लेकिन ये हॉस्पिटल किसी भूतगढ़ से कम नहीं है। जी, ऐसा क्या है कि आप इतना आइसोलेशन वार्ड में क्या सुविधाएं नहीं मिली हैं आपको? कमियां क्या सर? सुविधा सब है। जी, सुविधा पहले तो मुझे कुछ नहीं मिली थी। जी, पहले बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जी, फिर अनादि चैनल के संवाददाता ब्यूरो चीफ रशीद खान, जी, उनके जरिए मेरी वीडियो दिखाई गई थी, प्रशासन तक पहुंचाई गई थी। जी, फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रशासन अलर्ट हुआ। जी, और उन्होंने मेरे को सब फैसिलिटी करवाई। जी, एंटरटेनमेंट का कोई साधन मौजूद है? एंटरटेनमेंट का सर कुछ भी साधन नहीं है तो यहाँ। ये इसके लिए आप उसको उसकी कमी मानते हो या फिर ये सही है आपके? सर बहुत बड़ी कमी है, सर बहुत बड़ी कमी, सबसे बड़ी कमी तो यही है। आप 15 दिन हमें यहाँ रख रहे हो, किसी एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, किसी ऐसी चीज का साधन नहीं है जिससे हमारा 24 घंटे में से कोई 10 घंटे कट जाए, टाइम पास हो जाए, तो बताइए 15 दिन कैसे रहेगा? 15 दिन तो आदमी देश से ही मर जाएगा, ये सोच सोच के कि अगर मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, पता नहीं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। समीर जी, मतलब आपके हिसाब से आपके मोबाइल के अलावा वहाँ एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं है? सर एक मोबाइल था मेरा, वो भी अगर नहीं होता तो पता नहीं मैं भी शायद दस से मर जाता। जी जी, क्योंकि मतलब वो स्वास्थ्य विभाग की कमी है कि एंटरटेनमेंट का साधन उपलब्ध सर वो तो ऐसी बात है, स्वास्थ्य विभाग की कमी है। 17 बेड रखे हुए हैं यहाँ पर, 17 बेड। जी, आइसोलेशन वार्ड में जिस वार्ड में मैं हूँ यहाँ 17 बेड है। जी, इन 17 बेड पे मैं अकेला बनता हूँ। समीर जी, आपने 20 दिन आपको हो गए हैं, तो 20 दिन फिर आपने कैसे निकाले हैं?
सर बस पूछे मत, मोबाइल है जी, परिवार वालों से बात कर लेता हूँ, दोस्त यारों से बात कर लेता हूँ, आप जैसे भाइयों के फोन आने लग जाते हैं उनसे बात कर लेता हूँ, ऐसे कर करके अपना पूरा टाइम पास करता हूँ। रात को 2-3 बज जाती है बात करते करते, फिर सो जाता हूँ अपना जी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई टाइम ही नहीं है। अगर मोबाइल हाथ में नहीं हो तो एक मिनट कटना मुश्किल है जी। जनता से कोई अपील चाहेंगे? जनता से मैं यही बोलना चाहूंगा, मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो, ताकि मेरे जैसी परेशानी आपको नहीं झेलना पड़े जी। इस महामारी से आप दूर रहो, क्योंकि जैसे 20 दिन मेरे कटे, मैं तो हमेशा रात में सोते टाइम ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जगह किसी और को मत ला के पटकना यहाँ जी। हमेशा मैं आ गया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई कच्चे दिल का इंसान होता जो थोड़ा सा डरता हो हर चीज को लेके, जैसे कि रात का अंधेरा और भी चीजें, अगर उस चीज को लेकर डरता ना तो वो बेचारा यहाँ मर जाता, और सुबह उसकी हेडलाइन छत्ती ब्रेकिंग न्यूज के कोरोना से पीड़ित शिवपुरी में एक इंसान फिर मरा जी। अब ये पता नहीं वो देश से ही मरा है जी। अब इतना बड़ा वार्ड है, इसकी लंबाई चौड़ाई होगी तकरीबन 30x80 होगी जी। पूरे हॉस्पिटल की कितनी लंबाई है आपने खुद, अगर पहली बात तो ना यहाँ, तो ना यहाँ कोई मीडिया चेक करने आती है जी, ना यहाँ प्रशासन कोई चेक करने आता है, बस स्वास्थ्य केंद्र को फोन लगा दिया जाता है, वो नॉर्मल वीडियो बना के भेज देते हैं, ये है जी। और मैं ये चाहता हूँ कि आइसोलेशन वार्ड इतना हो, या तो अकेला बंदा रहता हो तो अकेला बेड हो, इतना बड़ा कमरा हो जी, और या फिर उसके अंदर 3-4 पलंग बेड हो, जिसमें आराम से थोड़ी दूरी पे 5-5 फुट की दूरी पे, जहाँ उसके अंदर 3-4 बंदे आराम से रह सकते हैं। तो ये है कि 4-5 आदमी जब साथ में रहते हैं, दूरी बना के रखें वाली वो, लेकिन अपना मनोरंजन हो जाता है, टाइम पास कर लेते हैं, आपस में बात कर लें जी। समीर जी, अब आपकी रिपोर्ट तीसरी जो है नेगेटिव आई है, और एक सैंपल और गया हुआ है आपका लास्ट वाला, तो आपकी रिपोर्ट जब नेगेटिव आई है तो आपका कैसे, आपको कैसा प्रतीत हो रहा है, आपको अपने आप में कैसा सर? जब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी ना, तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी, खुशी के मारे मेरे आंसू निकलने लग गए थे, क्योंकि जब सेकंड रिपोर्ट मेरी पॉजिटिव आई थी ना, तो शायद मैंने हिम्मत छोड़ दी थी कि तीसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आएगी, बट मेरे लिए इतने सारे दुआ के लिए हाथ उठ रहे थे, मेरे जिले के लोग, मेरे गांव के लोग, मेरे फैमिली वाले, दोस्त यार, सब लोग मेरे लिए दिन रात दुआ कर रहे थे जी। तो मैं कैसे हार सकता था इस कोरोना से जी, कि कहीं ना कहीं मेडिसिन का नहीं, उनकी दुआओं का असर है जी, जो आज मैं सही सलामत नेगेटिव खड़ा हूँ जी। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि दवाई में कम, दुआओं में ज्यादा असर होता है। बिल्कुल सही बात समीर जी जी। ठीक है समीर जी, धन्यवाद। ठीक है सर, और एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं। बताइए बताइए सर। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे पढ़ रहा हूँ, अपने हिंदुस्तान में कोरोना को हटा के जो हिंदू मुसलमान चल रहा है जी, सर मैं उन लोगों से सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, जो इस तरीके को भड़काने को जो साजिश रच रहे हैं जी, और पब्लिक भड़क रही है, तो मैं पब्लिक से एक ही चीज बोलूंगा कि ये वायरस ना तो हिंदू देख के अंदर जा रहा है, ना मुसलमान देख के अंदर जा रहा है, ना किसी जाति को देख रहा है जी। तो इसीलिए मेरे भाइयों, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, इस चीज को खत्म करो जब तक ये कोरोना है देश में जी, क्योंकि ये लड़ाई साथ मिलके लड़ना है जी। बिल्कुल सही, हिंदू मुसलमान बन के नहीं लड़ना है, और हिंदू मुसलमान देश किसी एक नागरिक का नहीं है, इस देश में 7 जातियां हैं, हिंदू सिख ईसाई सबका है ये देश जी। संविधान बोलता है, हम डॉक्टर अंबेडकर साहब बोल गए जी, तो आप बताइए, तो हमें सबको मिलके लड़ना है, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है। बिल्कुल, एकता जब इंसान की, एक परिवार में अगर एकता रहती ना, तो हर चट्टान से लड़ने की हिम्मत रखती है। अगर अपने देश में एकता नहीं रहेगी तो बताइए हम कैसे लड़ लेंगे जी। बिल्कुल, और मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ जाहिलों की वजह से कौम बदनाम होती है, अब वो जाहिल हर कौम में होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं, मुसलमानों में भी होते हैं जी जी, हर कौम में होते हैं कुछ जाहिल, लेकिन उनकी वजह से आप पूरे देश को दाव पे नहीं लगा सकते जी। आप पूरे देश के मुसलमानों से, देश के हिंदुओं से नफरत नहीं कर सकते जी। बिल्कुल सही, मेरे लिए अगर 8 हाथ अगर मुसलमानों के उठ रहे हैं, तो 10 हाथ हिंदुओं के उठ रहे हैं कि ये लड़का ठीक हो जाए, तो मेरे लिए तो सब दुआ कर रहा है, तो मेरे लिए सब बराबर है, क्योंकि मेरे हिंदुस्तानी मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, मेरे देशवासी मेरे लिए दुआ कर रहे हैं जी। मैं सबका हूँ, क्योंकि हिंदू मुसलमान का खून अलग अलग नहीं है, सबका खून एक जैसा है जी। बिल्कुल, तो मैं इससे बोलना चाहूंगा कि ये हिंदू मुसलमान हटा के बस कोरोना पे फोकस करो, और ये जंग हमें साथ मिलकर लड़नी है, जैसा मैंने लड़ी आप लोगों की दुआओं से।
जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा बस आप लोगों से। ठीक है समीर जी, ठीक है, धन्यवाद आपका। ओके, और मैं सब तो धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिन जिन मतलब मेरे लिए जिन जिन लोगों ने दुआएं करी है कि मैं ठीक हो जाऊं। ऊपर वाले से ये दुआ मांगता हूं उनके घरों में हमेशा खुशी रहे, उनके घरों में कभी दुखी ना आए, और ये कोरोना तो उनके आसपास भी नहीं जाए। जी बिल्कुल, तो ये थे समीर कुरैशी जी खनिया थाना से। नमस्कार।